आज हम लोग एक एक्सपायरी का स्ट्रेटजी सीखेंगे। जो एक्सपायरी का स्ट्रेटजी है, दिस इज सूटेबल फॉर करेंट सिनारियो। मतलब अगर मार्केट में किसी तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड मूव आता है तो आपका पोजीशन कंट्रोल में रहता है। ये बहुत अच्छा हैबिट है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का रखना, 1:3 का रखना, बट ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसको तो मैं पर्सनली जाके भी एक बार अप्लाई करके देखने वाला हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे ऐसी स्ट्रेटजीज पसंद है जहां पे मुझे कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो ऑब्वियसली अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं, अगर ये स्लाइटली बुलिश है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपेयर टू की बैलेंस करने के बाद जितना होना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रेडर स्टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में आपका वेलकम है। बहुत देर से मेरे यूजर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर रोशन श्रीवास्तव जी को एक बारी लेके आओ ऑप्शन ट्रेडिंग के, अपने ट्रेडर स्टॉक के अंदर ही डज सम एडजस्टमेंट्स व्हिच आर वेरी गुड। सो आई कनेक्टेड विद रोशन एंड एंड रिक्वेस्टेड हिम कि हमारे यहाँ पे ट्रेडो स्टॉक के अंदर अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर करो हमारे यूजर्स के साथ, सिंस दे हैव बीन आस्किंग फॉर इट एंड ही वाज काइंड इनफ टू ज्वाइन अस। सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक विद रोशन अबाउट हिज स्ट्रैटेजी दैट ही इज गोइंग टू डिस्कस विद अस। वेलकम रोशन भाई, कैसे हो? सो रोशन, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? आज हम लोग एक एक्सपायरी का स्ट्रेटजी सीखेंगे, ठीक ठीक है। है, जो एक्सपायरी का स्ट्रेटजी है, दिस इज सूटेबल फॉर करेंट सिनारियो। करेंट सिनारियो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि बहुत सारे स्पाइक्स आते हैं मार्केट में ड्यू टू एल्गोस। बहुत सारे स्पाइक्स आते हैं, बहुत तरह के मूवमेंट आते हैं, वी शेप, एन शेप, एम शेप। तो जो स्ट्रेटजी हम लोग सीखने जा रहे हैं, दिस इज सूटेबल फॉर दोज काइंड ऑफ वाइल्ड मूवमेंट्स। मतलब अगर मार्केट में किसी तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड मूव आता है तो आपका पोजीशन कंट्रोल में रहता है। अगर आपको लॉस भी होता है तो आपके पास इनफ टाइम होता है अपने लॉस को बुक करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली जो लोग स्ट्रैडल करते हैं, स्ट्रैंगल करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई बहुत फास्ट मूवमेंट आता है तो उनके पास स्टॉप लॉस लेने का भी टाइम नहीं होता है। यस एसएल जंप होता है, एसएल जंप होता है, ब्रोकर का ग्लिचेज आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड लॉस कंटिन्यू बढ़ता जाता है। इस चीज को कैसे टैकल करें, तो हमारा स्ट्रैटेजी उसी के ऊपर है। एंड इस स्ट्रैटेजी को मैं पहले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद पिछले एक महीने का 4 वेडनेसडे, मतलब मैं बैंक निफ्टी पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पिछले 1 मंथ का मैं चारों वीक का आपको स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट्स दोनों एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। नॉर्मल रिटेलर्स के लिए है, आप इजीली कर सकते हैं एंड इट्स पीस ऑफ माइंड अगर आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से कंपैरिजन करेंगे, ठीक ओके ठीक है। 9:30 से पहले कभी भी आपको ये ट्रेड लेना है, 4 लेग्स की स्ट्रैटेजी। ये करना क्या है आपको, ये कैलेंडर्स कैलेंडर स्प्रेड है अगले वाले वीक में। मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ हमारा रिसेंट 10 जुलाई का, ठीक है। ओके 10 जुलाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगले वीक में 16 जुलाई को आपको स्ट्रैडल बाई करना है पहले, ठीक है। पहले बाई करेंगे, पहले सेल नहीं करेंगे, स्ट्रैडल आपको बाई करना है 52,300 पे, एटीएम पे, ठीक है। जो हमारा एक्सपायरी का डेट है, यानी कि करंट वाले एक्सपायरी में 500 पॉइंट्स दूर का स्ट्रैंगल सेल करना है, 52,300 है तो 51,800 मिनिमम 4 लॉट से करना है, उससे कम में नहीं करना है। क्यों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट्स ही ऐसा है कि हमारे पास मल्टीपल लॉट्स में, मल्टीपल क्वांटिटीज में हमारा ट्रेड होना चाहिए। 1 लॉट से, 2 लॉट से, 3 लॉट से नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जितने लॉट से करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये 4 लॉट मिनिमम है, आप 5 लॉट, 6 लॉट, 10 लॉट, 20, 100 लॉट, जितना लॉट से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके मिनिमम 4 लॉट से आपको स्टार्ट करना है। जब आप डिप्लॉय करेंगे, आप डायरेक्टली, अगर आपका ब्रोकर सेंसिबल को सपोर्ट करता है तो आप सेंसिबल से भी डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक बार आपको अपने पे ऑफ को स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन में कहीं भी डाल के चेक करना। बहुत बार ऐसा होता है कि ये दोनों कोण बैलेंस नहीं होगा। ये दोनों कोण अगर बैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि आपका ट्रेड कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल है, ना ना स्लाइटली बुलिश है, ना स्लाइटली बेरिश है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैंने ये ट्रेड यहां पे कंस्ट्रक्ट किया, मान लीजिए कि डिप्लॉय करने के बाद हमारा ट्रेड ऐसा दिखता, हमारा पे ऑफ ऐसा दिखता, तो ये पे ऑफ देख के ही लग रहा है कि स्लाइटली बुलिश है, राइट। तो अगर 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 डिप्लॉय करने के बाद पे ऑफ ऐसा दिखता तो आपको पे ऑफ को एडजस्ट करना था,
पे ऑफ को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये देख के लग रहा है कि स्लाइटली बुलिश है। तो कोई भी ट्रेड बुलिश कब होता है? बुलिश का मतलब है कि आपने पुट सेल किया हुआ है, तो इसमें से बुलिशनेस को कम करना है, मतलब मुझे पुट के प्रीमियम को कम करना है, पुट का जो आपने सेलिंग किया है इस प्रीमियम को कम करना है या कॉल के प्रीमियम को बढ़ाना है, तभी मेरा ट्रेड में से बुलिशनेस कम होगा ना। ठीक है, तो अगर इन द बिगनिंग ये ऐसा दिखता तो या तो आप कॉल के प्रीमियम को बढ़ा सकते थे या कॉल के प्रीमियम को नहीं बढ़ा के पुट के प्रीमियम को घटा सकते थे। क्लियर है यहां तक? तो पहले हम फिर से पहले जैसा कर देते हैं, जो हमारा रूल है कि 500 500 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे दोनों तरफ ट्रेड लेना है। ठीक है, तो 500 एंड करेक्ट है, 500 500 के पॉइंट्स के डिफरेंस पे स्ट्रैंगल सेल किया, फोर लॉट से करना है, इससे कमी नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा डिप्लॉयमेंट है, यहां तक कोई भी आपका सवाल है तो पूछिए, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। नहीं मेरे को लगता है कि वो आगे जाके आएंगे। हाँ ठीक है, मैं चलता हूं स्लाइटली आगे। आपको एडजस्टमेंट्स कब करना है? पहली बात, हमारा टारगेट होगा 1% का, क्योंकि ये इंट्राडे है, एक्सपायरी है। अगर आपको 1% का प्रॉफिट होता है तो आप एग्जिट कर लेंगे, अगर आपको लॉस भी 1% का होता है तो आप एग्जिट करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:1 का, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज अराउंड 70-80%। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखेंगे या 1:3 रखेंगे, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, तो मेरा ये मानना है, दिस इज माय ओपिनियन, कि आपको लॉस अगर फ्रिक्वेंट होंगे तो आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आपके अंदर विनिंग हैबिट क्रिएट नहीं होगा। ये बहुत अच्छा हैबिट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखना, 1:3 का रखना, बट ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स का नाम सुना होगा, वे लोग करते हैं, बट एवरीबडी कैन नॉट डू इट। सो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का ही रखेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो आपने विनिंग हैबिट क्रिएट होगा, आपको स्क्रीन पे मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट दिखेगा, आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, आपको मतलब आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपने पोजिशन से। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखेंगे, आपको लॉसेस अगर फ्रिक्वेंट होंगे, मान लीजिए 10 में 4 बार ही प्रॉफिट होता है, 6 बार लॉस होता है, तो आप 3 महीना 6 महीना, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपके स्ट्रेटजी में कुछ प्रॉब्लम है। ये मैं नॉर्मल रिटेलर्स का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर रिस्क अगर आपका प्रॉफिट 1% से ऊपर आता है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है? एडजस्टमेंट्स आपको, अगर आप अपने प्रॉफिट को और होल्ड करना चाहते हैं, अगर आपने प्रॉफिट को और होल्ड करना चाहते हैं 2% तक या 2.5% तक, तो 1% का जब भी प्रॉफिट हो, अपने दोनों साइड से, मतलब जहां भी आपने स्ट्रैंगल सेल किया हुआ है, 1-1 लॉट एग्जिट करना है, मतलब 25% ऑफ द क्वांटिटी आपको एग्जिट करना है। ये हमने सेलिंग साइड में से एग्जिट करना है, सेलिंग साइड में से एग्जिट करना है, बाइंग को टच नहीं करना है। अगर आप बाइंग को टच करेंगे तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। ओके, सेलिंग को मैं 1-1 लॉट एग्जिट करके अपने ट्रेड को पार्शियली लॉक करता हूं, अपने प्रॉफिट को पार्शियली लॉक करता हूं। ये अभी पूरा ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख के ऐसा लग रहा होगा कि ये कंप्लीटली लॉस फ्री हो गया है, बट ये लॉस फ्री पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि कैलेंडर का पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है। मैक्सिमम आपको 12 बजे तक होल्ड करना है, 12 साढ़े 12 मैक्सिमम, 1 बजे के ऊपर मत जाना। 1 बजे तक अगर आप वेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि ये दोनों साइड में फिर से रेड दिखने लगेगा। बेसिकली तो थीटा पहली बात, के नेक्स्ट वाली ऑप्शंस में ज्यादा होना शुरू हो जाता है उसके बाद। हाँ यही कारण है कि आपको 12 साढ़े 12 से ज्यादा दूर तक नहीं जाना। या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, आप होल्ड करना चाहते हो तो मैं ये एडजस्टमेंट बताया, ठीक है? अभी हम लोग और 3-4 एक्सपायरी का एग्जांपल देखेंगे। ये तो बहुत हमारा हो सिंपल है गया यार, साइड, हाँ ये हमारा साइड वेज का था। ये तो मैं बहुत आपको अब सिंपल है। एक ऐसा हाँ मैं आपको एक ऐसे सिनेरियो का एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे मूवमेंट आया था ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट का, ठीक है? मुझे इसलिए पता है कि मैं ऑब्वियसली सब बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ। मैं आपको अलग अलग सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये उसके पिछले वाला एक्सपायरी 3 जुलाई का करते हैं, 10 जुलाई को जाना है, 52713 स्ट्रेडल बाई करना है 3 जुलाई को, 500 पॉइंट्स आगे, 52700 है तो 53200, 52200,
लॉट्स मैंने क्या बोला, अगर आपका पे ऑफ बैलेंस नहीं होगा तो आपको बैलेंस करना है। ये स्लाइटली बुलिश दिख रहा है, मुझे इसमें से बुलिशनेस को कम करना है, मतलब मुझे पुट के सेलिंग को, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, चलो हाँ, मुझे पुट के प्रीमियम को कम करना है। मैंने एक बार कम किया, अभी देखिए अभी आपका पे ऑफ हो गया बैलेंस्ड, टोटल 30 मिनट। पर रोशन भाई मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको बैलेंस ना भी करें तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना फर्क पड़ता है? कई बार अगर आप वो चीज बैलेंस बेनिफिट भी तो कर सकती है अपने को। नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली, अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं, अगर ये स्लाइटली बुलिश है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपेयर टू की बैलेंस करने के बाद जितना होना चाहिए था। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो लॉस भी ज्यादा होगा कंपेयर टू की बैलेंस करने के टाइम में जितना होना चाहिए था। तो आपका अगर व्यू है, आपका कोई टेक्निकल एनालिसिस है या फिर कुछ भी है, प्राइस एक्शन या किसी भी कारण से अगर आपका कोई व्यू है तभी आप डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये मैं एक कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कुछ भी होता है, मार्केट कहीं भी जाता है, प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो आप बुलिश बेयरिश आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के बाद अभी स्पॉट है 52702 पे, 400 के, 450 पॉइंट्स के आसपास मार्केट अभी ऊपर आया है, ठीक है। आपका प्रॉफिट अभी भी, आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है 1% के आसपास का, बट आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे अगर आप अपने ट्रेड को और होल्ड करना चाहते हैं तो। अगर आपका कोई व्यू है कि मार्केट में कोई बुलिश मूवमेंट आ चुका है, किसी भी तरह का ब्रेकआउट आया है, आप चाहते हैं अपने ट्रेड को होल्ड करना, आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट इससे भी ज्यादा हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? जब मार्केट साइडवेज था तो आपने क्या किया था, दोनों साइड से 25% क्वांटिटी एग्जिट किया था, कॉल और पुट दोनों। अभी सिर्फ टेस्टेड साइड से एग्जिट करना है, सिर्फ टेस्टेड साइड से, जो आपका टेस्टेड टेस्टेड साइड साइड है, से, ठीक है, टेस्टेड साइड से एग्जिट कर रहे हैं। वन लॉट एग्जिट करना है। अब आप चाहो तो अनटेस्टेड साइड से भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, ये कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी है। अगर आप अनटेस्टेड साइड से भी वन लॉट एग्जिट करोगे तो अगर मार्केट में कोई शार्प वी शेप रिवर्सल आता है तो आपका बहुत हद तक ये सेफ रहेगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो। बट इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे, अभी 9:50 हो रहा है, मान लीजिए ये 11-12 बज रहा होता, ये एलटीपी बहुत कम हो चुका होता उस समय तक। अगर ये एलटीपी मान लीजिए 4-5 रुपया चल रहा है तो फिर ये होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक मैं ही एक काम नहीं करता है। हूँ, मैं आगे ₹6 है ना, ₹6 है, आप ये पूरा पुट भी निकाल सकते हैं। आपका टारगेट अचीव हो चुका है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं। इतना तक आपको होल्ड करने का जरूरत नहीं है। 3.9% देखिए, स्टॉक मार्केट में करना और रियलिटी में करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आप रियलिटी में करेंगे ना तो ये 3.9% नहीं है, चार्जेस वगैरह ये सब कुछ कट करके थोड़ा बहुत पॉइंट में स्लिपेजेस भी आएगा, 0.2, 0.3, 0.4 के आसपास के पॉइंट्स का स्लिपेजेस भी आएगा। तो मान लीजिए ये 2.5% का ही प्रॉफिट होता तो एक दिन में 2.5% भी बहुत है। तो अगर आप अपने प्रॉफिट को राइड करना चाहते हैं, प्रॉफिट को होल्ड करना चाहते हैं, कोई भी व्यू है आपका अगर अपने हिसाब से, तो आप ये काम कर सकते हैं। बस स्ट्रैंगल से आपको 25-25% क्वांटिटी एग्जिट करना है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से आप अपने प्रॉफिट को पार्शियली लॉक करते हैं। ये ग्रीन देख के, ये पूरा ग्रीन देख के एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि कैलेंडर का पे ऑफ इज नॉट एक्यूरेट ऑल द टाइम, बट बहुत हद तक आपका प्रॉफिट लॉक्ड होता है ऐसा करके। कैलेंडर के अंदर जो ये ब्लू वाली लाइन होती है, सिर्फ एक इसी की सर्टेनिटी होती है एट दैट हाँ, पर्टिकुलर टाइम टाइम, उसके अलावा सब कुछ है, वो तो एंड ऑफ द टाइम। अब देखोगे कि एंड में जाके लॉस में भी आ सकता है वो। इसीलिए मैंने बोला कि 12-12:30 के बाद होल्ड नहीं करना है। एक पॉइंट में बताना भूल गया, 25% क्वांटिटी आप एग्जिट करते हैं, ऐसा करके आप ब्रेक इवन के बाहर एज एन ऑप्शन बायर एक्ट करते हैं। यू आर ऑप्शन बायर आउटसाइड दिस ब्रेक इवन। यहां पे लोगों को कुछ डाउट आ सकता है कि जब मार्केट वी शेप रिवर्सल लेगा तो आपको यहां पे लॉस हो सकता है। पहली बात की 12-12:30 से ज्यादा दूर तक हम जाएंगे नहीं, बट जब वी शेप रिवर्सल होके मार्केट बीच में आता है तो आपके पास अभी भी 75% क्वांटिटी
क्वांटिटी है थीटा डी के लेने के लिए, ये कॉल का एलटीपी कितना है 110 है। फिर से जब विशेष रिवर्सल होकर मार्केट यहां पे आएगा तो कॉल का एलटीपी 65 भी नहीं रहेगा, इससे भी कम हो जाएगा, ये कॉल का एलटीपी 30-35 के आसपास हो जाएगा। तो आपके पास 75% क्वांटिटी अभी भी है थीटा डिके के लिए इन केस अगर कोई वीशेप रिवर्सल आता है। या और मैं जो भी एडजस्टमेंट बता रहा हूं, ये एडजस्टमेंट्स मैं बता रहा हूं अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखिए, ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना, नो एडजस्टमेंट्स, ओके, डोंट ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एडजस्टमेंट्स के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे लोग 10-10, 15-15 एडजस्टमेंट्स करते हैं, फायर फाइटिंग करते रहते हैं, वो सब कुछ नहीं करना। कीप योर ट्रेड एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल रखना है अपने ट्रेडिंग को। और मैं जो एडजस्टमेंट बता रहा हूँ ये एक्चुअली में एडजस्टमेंट्स नहीं है ना, आपको एग्जिट करने का मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, प्रॉफिट बुक कर रहे बस, बहुत सिंपल है। ब्रेक इवन के पास आया, जस्ट टेस्टेड साइड से वन लॉट एग्जिट कर लो, अनटेस्टेड साइड को प्रोटेक्ट करना है, यहां से भी वन लॉट एग्जिट कर लो। अगर कोई शार्प वी शेप एन शेप रिवर्सल आने के कारण लॉस होता भी है तो क्या आपका लॉस ऑल ऑफ अ सडन 5% का होगा, 6-7% का होगा, 10% का होगा? नहीं होगा। आपका लॉस भी कंट्रोल में रहे, कभी भी आपको अपने स्क्रीन पे स्टॉप लॉस के लेवल का मतलब 1% का लॉस दिख रहा है, उससे ज्यादा का लॉस दिख रहा है, 1.5% का, किसी रेयर सिनारियो में 2% का भी लॉस दिख रहा है, जस्ट एग्जिट यू ट्रेड। कुछ दिमाग नहीं लगाना, 9:30 में एग्जिट करना है, 12-12:30 तक, 9:30 तक, 9:30 से पहले एंट्री करना है, 12:30 1 o'clock से पहले मेक श्योर कि आप अपने ट्रेड को एग्जिट करते हो। कैलेंडर्स के बहुत अंदर सिंपल। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जो लोग यूजर्स इस चीज को सुन रहे हैं इस टाइम पे, कैलेंडर्स के केस में अगर स्पाइक आए ना तो आपको वो टेम्परेरीली नेगेटिव में जरूर लेके जाती है, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट ना करे, बट जैसे ही वो स्पाइक सेटल होती है ना तो आपका प्रॉफिट पिछले प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा होता है, बहुत दैट इज ज्यादा अ होता बेनिफिट। है क्योंकि क्योंकि करंट वाले में थीटा डी के बहुत फास्ट होता है। यस, सो लेट्स से आप 1000 के प्रॉफिट में चल रहे थे, एकदम से स्पाइक आई, आप देखोगे कि आपका जो 1000 था वो एकदम से -500 पे हो गया। अगर वो 10 मिनट के लिए भी मार्केट वहां पे सेटल होगी ना, आप विद इन मूवमेंट्स देखोगे कि वो +1500 +1700 पे घूम रहा होगा जाके। अच्छा, एक बेनिफिट और ये है कैलेंडर में कि कैलेंडर का हेजिंग इतना परफेक्ट होता है कि आप वेट कर सकते हो। आप मतलब अगर मान लो मैंने मैंने क्या बोला कि 1% का स्टॉप लॉस है, अगर आप चाहते हो कि मैं मुझे अपने लॉस को बुक नहीं करना है, मैं थोड़ा देर और वेट करता हूँ, आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। स्ट्रैडल में, स्टैंगल में वेट नहीं कर सकते, वहां पे आप वेट करेंगे तो 1% का, 2% का, 1% से बढ़ के 2% का, 2.5% का हो। बहुत लोग स्ट्रैडल स्टैंगल करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ एंड एक रिटेलर्स आसानी से क्या कर सकता है इजिली। दिस इज वेरी इजी, एक एग्जांपल और लें इसके अंदर कोई। हाँ, 3rd July था, आप 3rd July के पीछे चले जाइए। गाइस, इससे ज्यादा सिंपल चीज नहीं हो सकती। June 26 का ले रहा हूँ, 3rd July का 52.6, 52.55 लेंगे, 52.60, 52,600 बाई करना है एंड 53,100, 52,100, सॉरी सॉरी 10 कर दिया, वो मेरा हैबिट है 10 का, इसलिए। देखिए ये स्लाइटली बुलिश दिख रहा है, स्लाइटली बुलिश दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बुलिशनेस को कम करना है, मुझे पुट के सेल को कम करना है, पुट के प्रीमियम को कम करना है। मैं इसको एक पीछे लेके गया, अब ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट बैलेंस, ठीक है, 0.9%। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए अभी 9:30 या 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, आप मिडिल में हो और 1% का लॉस हो रहा है, तो आप चाहो तो आप 1 घंटा और वेट कर सकते हो 11 बजे तक। अगर 12-12:30 हो रहा है तब लॉस बुक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अभी जैसे 0.9% का लॉस हो रहा था, अगर वो 1.2-1.3% भी लॉस हो रहा होता आप चाहते तो वेट कर सकते थे, हाँ, क्योंकि सिर्फ 10:30 के आसपास ही हो रहा था, पर बहुत इसमें टाइम था। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी फिर। हाँ अभी देखिए आपका टारगेट भी अचीव हो चुका है, अभी आप ब्रेक इवन के पास भी नहीं है,
अब यहाँ भी आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो अभी वन लॉट एग्जिट कर लो या फिर मैं कर लेता हूँ वन लॉट एग्जिट कॉल से। आप या तो होल्ड कर सकते हैं नहीं तो वन लॉट एग्जिट कर सकते हैं, बट टारगेट आपका मिल चुका है 2.3%। इट्स वेरी सिंपल यार, बस ये है कि आप मार्केट के अंदर सबसे बैठे हो तो नियम आपको वहां पे बैठ के उसको वेट करना है, और वो टाइम निकालने वाली बात है कि उसके अंदर आपने रेटल नहीं करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए 12:30 हो रहा है, 12:51 हो रहा है, 1 बजने वाला है, 3% का प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉक मार्केट में 3.2% दिख रहा है, रियलिटी में एटलीस्ट 2% तो होगा, स्लिपेज चार्जेस ये वो सब कुछ निकाल के। और आपके पास होल्ड करने के लिए ये रहता है, मतलब गट्स रहता है कि आप होल्ड करके यहाँ पे बैठ सकते हैं। कोई या इट्स वेरी सिंपल, कोई मतलब ब्लैक आइडिया स्वान इज इवेंट वेरी आप, एफिशिएंट, आइडिया इज वेरी एफिशिएंट। बहुत सिंपल है और ये बहुत आसान है। कर मैंने सोचा नहीं था कि इतना सिंपल होगा। आई थिंक इसको बच्चा भी कर सकता है अगर इसको थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करे। ऑल यू हैव थोड़ा टू डू सा इज यू हैव टू बाय एन एट द मनी कैलेंडर स्ट्रैडल, उसको बाय कर लो, और उसके बाद करंट वीक के अंदर एक्सपायरी वाले दिन में आप 500 पॉइंट ऊपर नीचे के ऑप्शन जो है सेल कर दो, और अपना स्टॉप लॉस लगा दो उसके ऊपर कि मुझे इतना स्टॉप लॉस है, या फिर मेरा इतना टारगेट है, या फिर इतना टाइम है, एंड आई एम आउट फ्रॉम इट। एंड या दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा एक चीज और, मैंने बिगनिंग में बोला 500 पॉइंट्स का डिफरेंस रखना। अगर विक्स ज्यादा है तो आप वो डिस्टेंस को और ज्यादा कर सकते हैं। 500 का जो डिस्टेंस है आप उसको 800 पॉइंट्स का डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रैंगल का प्रीमियम भी ज्यादा हो। अगर विक्स बहुत कम है, प्रीमियम और भी कम है, तो 500 का डिफरेंस नहीं रख के आप 400 पॉइंट्स का भी डिफरेंस रख सकते हैं। मतलब बिगनिंग में जब आपका पे ऑफ बनता है ना, योर पे ऑफ विल टेल यू द इंटायर पिक्चर। आपका पे ऑफ आपको बताएगा कि क्या आज का दिन सुटेबल है ट्रेड करने के लिए, क्या जो आपने 4 लेग्स जो आपने ऐड किए हैं क्या ये सुटेबल है ट्रेड करने के लिए। चार का क्या लॉजिक था इसके अंदर? क्योंकि मुझे पार्शियली लॉट्स ओके, एग्जिट, बिकॉज आपने 25% उसके अंदर से कम करना है, दैट इज व्हाई, दैट इज आप कितना ओके। भी कर सकते हैं, 10 लॉट, 20 लॉट, 40 लॉट, जितना लॉट आप चाहे कर सकते हैं। बट उसके अंदर से इतनी अगर क्वांटिटी रखो कि उसको 25% एग्जिट कर सको उसके अंदर से, दैट इज व्हाई। अगर आपने 1000 क्वांटिटी सेल किया तो 250 क्वांटिटी टू एग्जिट फिफ्टी करो। क्वांटिटीज आप एग्जिट कर सको उस चीज के अंदर से, या दैट मेक्स सेंस। रोशन भाई ये तो शुरू होते खत्म भी हो गया, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, दिल नहीं भरा अभी। और देखते हैं एक नहीं, और आई नॉट गो फॉर अनदर स्ट्रेटेजी, ठीक है, आई लेट माई यूजर्स, लेट माई व्यूअर्स सी इट, बट ऐसी एक स्ट्रेटेजी तो और भी करनी बनती है अपने को, वो दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे, पहले इसको एक बारी अपने यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, लेट्स हियर देयर कॉमेंट्स ऑल्सो। एंड इसको तो मैं पर्सनली जाके भी एक बार अप्लाई करके देखने वाला हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे ऐसी स्ट्रेटजीज पसंद है जहां पे मुझे कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ता। एक टाइम था जहां पे मैं बहुत एडजस्टमेंट्स करता था, फायर फाइटिंग करता था, धीरे धीरे जब स्ट्राइक, जब एक मार्केट का वो शिफ्ट आना शुरू हुआ, तो फिर मैंने एडजस्टमेंट करनी बंद कर दी, एंड आई वेंट इन टू अ प्योर अप्रोच जहां पे एक स्टॉप लॉस है, एक टारगेट है, यू टेक आइदर अ स्टॉप लॉस आइदर एग्जिट, और बाहर आ जाओ मार्केट के अंदर से। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्ट्रेटजी इज परफेक्ट फॉर मी, तो मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, एंड आई विल टेल यू नो, एंड माई व्यूअर्स ऑल्सो, यू ऑल्सो लेट मी नो कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी है। आई एम गोइंग टू इन्वाइट रौनक वंस अगेन फॉर अनदर स्ट्रेटजी, और एक और स्ट्रेटजी भी हम आप लोगों के साथ रोशन करेंगे। रोशन रोशन एक यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कम से कम इस टाइम पे 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, जिसमें रोहित भी है, रौनक भी है, रोशन भी है, उसके बाद रोहन चार है, ठीक है। एंड आई'ल टेल यू, मैं अभी यहाँ पे गया था, हमारे यहाँ पे एक एमडी है एचआरटीसी के, उनके साथ मैंने बात की, फिर एक क्वांट इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो रोहन है, उनसे बात की, फिर उन्होंने मेरा एक आगे बंदे से टेस्ट पैचअप करवाया, ही इज रोहन। तो अब क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं उनको मैसेजेस आपस में करी जा रहा हूँ बैठ के, एंड दे आर आस्किंग कि कहाँ भेजा हुआ है ये। सो एनीवेज, माय अपोलॉजीज फॉर दैट रोशन, अगेन आई विल इन्वाइट यू वंस अगेन, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर रोशन को एक बारी टैग करने वाला हूं, आप अपनी क्वेरीज जरूर पूछो, आई डोंट थिंक सो आपको जरूरत पड़ेगी, बट दिस स्ट्रेटजी हाउ एवर सिंपल इट मे साउंड लाइक, इट इज वेरी पावरफुल, मैं इसको टेस्ट आउट करने वाला हूँ, आई विल लेट यू नो। थैंक्स अ लॉट रोशन, थैंक्स अ लॉट फॉर बींग विद मी, आई विल लाइक टू सी यू वंस अगेन विद मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।